यार एक बात बताओ, ड्रीम इलेवन से कितना कमाया जा सकता है? अगर मैं कहूँ कि एक साल में आप 50 लाख से ज़्यादा कमा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लॉ ऑफ एवरेज की मदद से। आपके होश उड़ जाएंगे सारी कैलकुलेशंस देखकर। मैं आपसे वादा करता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन समझे अभी जाकर के वीडियो को देखें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी रॉबिन हुड में। ठीक है, मैं हूँ आपके साथ फैंटेसी रॉबिन हुड। गाइज, आपने इंट्रो देखा, सारी चीज़ें आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या है ये लॉ ऑफ एवरेज और किस तरीके से काम करता है ये लॉ ऑफ एवरेज। तो इसमें हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अब तक ड्रीम इलेवन को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से खेलते आए हो, अब इसको किस तरीके से एक लेवल अप करके आप एक इन्वेस्टर की तरह से, एक बिजनेस माइंड की तरह से किस तरीके से इसको एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो ड्रीम इलेवन को। जी हाँ, अगर आप ड्रीम इलेवन को खेल रहे हो और आप ड्रीम इलेवन में और भी कुछ अच्छा कमाना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट 77 से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और बस आपको, कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो बस उस घड़े को ही आपको धीरे धीरे करके भरना है। ठीक है, और किस तरीके से होगी ये सारी चीज़ें, मैं आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं इस वीडियो को सिर्फ कुछ मिनट की बनाने वाला हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन ए से लेकर जेड तक चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि जिसमें मैंने पूरी 40 से 45 मिनट की वो वीडियो है, उसमें मैंने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि ये बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, और अगर आप डीपली इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप जाइए उस वीडियो को देखना इस वीडियो के बाद में। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से काम करता है। कि आपने अब तक खेला होगा ड्रीम इलेवन, तो आप मान लीजिए यहाँ लॉ ऑफ एवरेज में होता क्या है, मैं किस तरीके से आपको लॉ ऑफ एवरेज यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो आपको करना क्या है, आपको एक बेस अमाउंट, आपको एक अपना बजट डिसाइड करना है। आपका बजट कुछ भी हो सकता है, 3,000, 2,500, 5,000, 10,000, ठीक है। तो जो भी आपका बजट होगा उसमें से मैं आपको आपका बेस अमाउंट बताऊंगा कि किसी के लिए बेस, अगर आपका बजट 2,500 के लगभग है तो आपका बेस अमाउंट 77 होगा। अगर आपका यही अमाउंट, अगर आपके पास 5,000 रुपये का है तो ये आप, यही इन्वेस्टमेंट आपकी 150 रुपये की हो जाएगी। अगर यही अमाउंट आपके पास, अगर बजट आपका 10,000 रुपये का है तो किस तरीके से वो 387 का बेस अमाउंट हो सकता है, 387 की जो लीग है वो आपकी हो सकती है। और गाइज, अगर वीडियो में कोई भी साउंड आता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करके उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको आना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है फैंटेसी रॉबिन हुड। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो लिंक काम नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है वो कभी काम नहीं करता है, कभी कभी टेलीग्राम के लिए, तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट जाना है टेलीग्राम पर, सर्च करना है फैंटेसी रॉबिन हुड और वहाँ जा करके आपको मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो जाना है। वहाँ जा करके आप मुझसे बात कर सकते हैं किस तरीके से आप ये लॉ ऑफ एवरेज को यूज़ करते हुए मेरे साथ ज्वाइन होकर के या मेरे साथ जुड़ करके किस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन की। चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो क्वालिटी का इशू आता है तो प्लीज़ वीडियो को जा करके कॉपी कर लीजिए इसके लिंक को और जा करके अपने ब्राउज़र में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपका बजट जितना भी है उस हिसाब से आपका बेस अमाउंट डिसाइड होता है। जैसे आपके अगर आपका बजट 2,500 है तो इसका आपका बेस अमाउंट बनता है 77 का। उसके बाद में ये कुछ लेवल्स होते हैं आपके कि किस लेवल पर कितने आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे इन्वेस्टमेंट ये होती है, लेवल 1 पर इतने 77 की इसमें इन्वेस्टमेंट, लेवल 2 पर 154 की इन्वेस्टमेंट यानी 77 का डबल, उसके बाद में लेवल 3 पर 308, उसके बाद में 616 यानी 77 का
8 टाइम्स, उसके बाद में ये इसका 16 टाइम्स। तो किस तरीके से कब कब आपको ये करनी है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता रखी हैं। तो जाइए आप उस वीडियो को देखिए और मुझे ज्वाइन करिए और अपनी एक फैंटेसी की नई दुनिया शुरू कीजिए कि किस तरीके से आप ये कैलकुलेशन अचीव कर सकते हैं। तो आप कितनी कैलकुलेशन अचीव कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आप अचीव कर सकते हैं मेरे साथ, कि फर्स्ट मंथ में कितना हो सकता है, सेकंड मंथ में कितना हो सकता है। अगर आपका बजट इतना है तो 77 रुपीज़ से भी आप कितने, लगभग आप 80 लाख प्लस आप इजीली अर्न कर सकते हैं। एक साल के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 80 लाख से ज़्यादा का होगा, तो आप सॉरी प्रॉफिट जो है ज़्यादा का होगा। हाँ गाइस, कुछ लोगों को जाकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उनको डाउट होगा तो यही इसी वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट है वो इससे ज़्यादा आएगा जो उसमें वीडियो में है। तो उसमें क्या है, उसमें सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है, उसमें आपका जो भी प्रॉफिट है प्लस जो आपका वॉलेट बैलेंस है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वॉलेट बैलेंस 2400 रुपये है तो उसको और प्लस प्रॉफिट को मैंने प्लस ऐड करते हुए उसके बाद में मैंने आपका जो है पर मंथ आपका जो प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन इसमें क्या है, मैंने वॉलेट बैलेंस को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रॉफिट से आपको ये कि सेकंड मंथ में आप कितना कमा सकते हैं, फर्स्ट मंथ में आप कितना कमा सकते हैं, उसके बाद में इस तरीके से करते करते आप 12 मंथ या एक साल में कितने लाख और कितने करोड़ तक आप पहुँच सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यही कैलकुलेशन अब आप ये सोचिए कि अगर ये 77 की कैलकुलेशन है तो अगर इसी को हम बढ़ा देते हैं, इसी कैलकुलेशन अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर आपका पास 10,000 है शुरुआत में, तो सोचिए आप जहाँ 77 से आपको ये एक कैलकुलेशन लगभग 1 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिल रही है, कितने से कितने महीने में, 12 महीने में वहीं ये कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकती है 8 से 9 महीने के अंदर। अगर आपकी 10,000 20, जितना ज़्यादा आपका, जितना अच्छा आपका बजट होगा, आप ये चीज़ और ये